नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जहाँ पे मैंने पिछली बार एनसीईआरटी 11th क्लास की ज्योग्राफी किताब छोड़ी थी इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट की, वहीं से शुरुआत कर रहे हैं। तो पेनिनसुलर प्लेट्यू को जल्दी से समझने की कोशिश करेंगे। पेनिनसुलर प्लेट्यू, उसके तीन पार्ट्स, डेक्कन प्लेट्यू, आइलैंड्स, सेंट्रल हाईलैंड्स, इन सबको यहाँ पर हम लोग समझेंगे। तो भाई, पेनिनसुलर प्लेट्यू की बात की जाए, क्या क्या आता है आपका पेनिनसुलर प्लेट्यू में। तो अगर आप नक्शा देखो भारत देश का, मैं आपको ऊपर दिखा देता हूँ, वैसे मैंने आपको पहले भी दिखाया है, ये पूरा का पूरा आपका पेनिनसुलर प्लेट्यू फुल, दिस कम्प्लीटली इज पेनिनसुलर प्लेट्यू। और ये जो नॉर्थ ईस्ट का पार्ट है ना, दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू। तो पेनिनसुलर प्लेट्यू तो आपको थोड़ा बहुत क्लियर होना चाहिए, जितना अब तक मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया है। 9th क्लास की ज्योग्राफी किताब भी आपने देखी होगी। पेनिनसुलर प्लेट्यू के अंदर तीन छोटे छोटे पार्ट्स आते हैं। वो तीन छोटे छोटे पार्ट कौन से हैं? डेक्कन हाईलैंड, सेंट्रल हाईलैंड्स और नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू। थोड़ी और बेसिक इन्फो देख लेते हैं। तो अगर आप देखोगे तो रिवर्स जो बहती हैं आपकी पेनिनसुलर प्लेट्यू में, वहाँ पे 150 मीटर ऊपर है इस प्लेट्यू की हाइट। फिर आप देखोगे तो जो एलिवेशन है पेनिनसुलर प्लेट्यू का, वो 600 से 900 मीटर है और एक इरेगुलर ट्रायंगल बनाता है। कुछ इस प्रकार का ट्रायंगल बनता है आपका पेनिनसुलर प्लेट्यू का, जिसके नॉर्थ ईस्ट में आपकी दिल्ली रिज आती है। फिर आप कह लो राजमहल हिल्स आपके ईस्ट में आते हैं, गिर रेंज इसकी वेस्ट में आती है, कार्डमम हिल्स इसके साउथ में आते हैं। कार्डमम हिल्स, राजमहल हिल्स, ये सब मैं आपको नक्शे में दिखा चुका हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे खास बात क्या है, इसका एक एक्सटेंशन नॉर्थ ईस्ट में। मैं थोड़ा जल्दी यहाँ पे इसलिए कवर कर रहा हूँ क्योंकि पेनिनसुलर प्लेट्यू के बारे में काफ़ी इन्फो मैंने पहले दी है। अगर आप मेरी 9th क्लास की ज्योग्राफी की बात कर लो, चाहे इससे पहले की वीडियोज़ की बात कर लो। फिर पेनिनसुलर प्लेट्यू के बारे में क्या बताया गया है कि इसका जो एक एक्सटेंशन है वो एक्सटेंशन नॉर्थ ईस्ट में भी है। तो जो कार्बी एंगलोंग प्लेट्यू था आपका, मेघालय प्लेट्यू था, शिलोंग का इलाका हो गया, ये सब पेनिनसुलर प्लेट्यू के पार्ट है। और पेनिनसुलर देखिए, प्लेट्यू क्या होता है, प्लेट्यू होता है पठार। जैसे ये माउंटेन है तो ये आपका माउंटेन हो गया, लेकिन एक एलिवेटेड लैंड हो जिसके ऊपर समतल ज़मीन हो तो इसको आप बोलते हो प्लेट्यू, ठीक है भाई। अब जहाँ जहाँ पे ये प्लेट्यू बनेगा उस नाम के हिसाब से उस जगह के प्लेट्यू का नाम रख दिया जाएगा। जैसे हजारीबाग के इलाके के आसपास बनेगा तो आप हजारीबाग प्लेट्यू बोल दोगे, पालोमू के आसपास बनेगा तो पालोमू प्लेट्यू, रांची के आसपास तो रांची प्लेट्यू, मालवा के आसपास तो मालवा प्लेट्यू, कोयम्बटूर के आसपास तो कोयम्बटूर प्लेट्यू, कोयम्बटूर, मालवा, पलामू, हजारीबाग, ये सब बड़ी नोन लोकेशंस हैं। आप आराम से इनको ढूंढ के इनके पोर्ट प्लेट्यूज को पॉइंट आउट कर सकते हो। मैं इन प्लेट्यूज की लोकेशन आपको इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि जो पूरा का पूरा हमारा पेनिनसुलर इंडिया है वो पठारी इलाका है। आपको पता है नॉर्दर्न इंडिया के कंपैरिजन में जो पेनिनसुलर इंडिया है उसकी हाइट थोड़ी उठी हुई है और वो इस तरफ की तरफ स्लोपिंग भी है, स्लोपिंग वाला पॉइंट भी आ गया है। तो इस प्लेट्यू में जिस जिस जगह पे जो जो भी लोकेशंस आ रही हैं वहाँ पे आपका, जैसे रांची प्लेट्यू यहाँ बन जाएगा ओवरऑल झारखंड के पास, हजारीबाग प्लेट्यू भी इसके पास ही बनेगा। चलिए मैं आपको कुछ प्लेट्यूज़ की फ़ोटोज़ दिखाई देता हूँ। तो अगर आप इस पर्टिकुलर को इमेज को देखो तो यहाँ पे बुंदेलखंड प्लेट्यू, फिर नीचे बघेलखंड प्लेट्यू, मालवा प्लेट्यू, डेक्कन प्लेट्यू, इसके बारे में भी बात करेंगे, कर्नाटका प्लेट्यू, तेलंगाना प्लेट्यू, दंडकारण्य प्लेट्यू, इधर शिलोंग प्लेट्यू, यहीं पे मेघालय भी आ जाता है, छोटा नागपुर प्लेट्यू इसी का पार्ट है आपका, हजारीबाग प्लेट्यू। तो कुल मिला के ये कुछ प्लेट्यूज हैं जिनकी मैंने आपको एक अप्रॉक्सीमेट लोकेशन दिखा दी। आप अपनी समझ के हिसाब से, एरिया के हिसाब से प्लेट्यू को आइडेंटिफाई कर सकते हो। अभी जो पूरा का पूरा पेनिनसुलर लैंड मास है जिसमें इतने सारे प्लेट्यूज पाए जाते हैं, दिस इज द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट स्टेबल। ओल्डेस्ट और मोस्ट स्टेबल क्यों? चूँकि अगर आप हमारे हिमालयन लैंडमास की बात करोगे तो उस पर आसपास का इलाका स्टेबल नहीं है, क्योंकि जो इंडियन प्लेट है वो यूरेशियन प्लेट में टक्कर मार रही है। तो भाई टेक्टोनिक एक्टिविटी बहुत होती है, चीज़ें स्टेबल नहीं है। लेकिन पेनिनसुलर ब्लॉक में कंपेरेटिवली टेक्टोनिक एक्टिविटी नहीं है। हाँ, कुछ जगह पर फॉल्ट डेवलप हो गए हैं, कुछ जगह पर आप कह सकते हो जो क्रैक है, हमारी जो प्लेट है वो क्रैक है, बट ओवरऑल टेक्टोनिकली वो थोड़ा बहुत स्टेबल ही है। बहुत जगहों पर फॉल्ट है, जैसे कि अभी भीमा फॉल्ट आएगा जो कि महाराष्ट्र और कर्नाटका के बॉर्डर पे, भीमे बेसिन पे, तो फॉल्ट्स डेफिनेटली हैं, बट ओवरऑल तो हमारा जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है बहुत पुराना है और बहुत स्टेबल है। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन दोस्तों, अगर अब तक आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया, इस चैनल को शेयर और नहीं किया, डेफिनेटली कर दीजिए। जितना हो सके दोस्तों ज्वाइन बटन दबाएँ। अगर आप भीड़ में ज्वाइन बटन दबाते हैं, इट इज़ रियली वेरी हेल्पफुल टू मी।
अगर आप सच में मुझे फॉलो कर रहे हो, मेरी वीडियोस को फॉलो कर रहे हो और किसी भी तरह से कंट्रीब्यूट करना चाहते हो तो प्लीज़ क्लिक द ज्वाइन बटन। इट डेफिनेटली हेल्प्स मी टू सस्टेन, क्योंकि सारी वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी भी चीज़ के पैसे मैं ले नहीं रहा हूँ। सो दैट्स वाई आई नीड यू टू क्लिक द ज्वाइन बटन। साथ साथ वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इंस्टाग्राम पर चाहें तो फॉलो कर सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको मेरे लेक्चर्स की, जो करंट अफेयर्स के लेक्चर्स हैं, उनकी PDF मिल जाया करेगी। साथ साथ harshitdwivedi.com पे डेली बेसिस पे जो करंट अफेयर्स का डेली आर्टिकल है और कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स अपडेट हो सकते हैं तो आप harshitdwivedi.com चेकआउट कर सकते हैं। इन हर चीज़ का लिंक, ज्वाइन बटन, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, सबका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ। फिर क्या बताया जा रहा है, जनरल एलिवेशन ऑफ द प्लेट्यूज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। ये मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, अगर ये हमारा इंडियन लैंड मास है तो स्लोप इस तरफ है, इस तरफ होने की वजह से सारी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी सब आपको इस तरफ बहती दिखेंगी। ये मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, दो एक्शंस बताए थे, नर्मदा और तापी। और नर्मदा तापी एक्सेप्शन क्यों थे, क्योंकि रिफ्ट वैली में बह रही हैं, तो यहाँ जल्दी बता दिए क्योंकि पहले एक्सप्लेन किया। फिर क्या बोला गया, नेम सम रिवर्स ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू व्हिच हैव कन्फ्लुएंस इन बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी। यार ये तो मजाक की बात हो गई। फिर क्योंकि मैंने अभी बताया गोदावरी, कृष्णा, कावेरी ये सब कहाँ गिर रही हैं, जाके बे ऑफ बंगाल में, और अरेबियन सी में कौन सी गिर रही है, नर्मदा तापी, तो इसमें ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। हाँ, खास बात यहाँ पे ये, मेंशन सम लैंड फॉल्स विच आर टिपिकल टू द ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स बट आर एब्सेंट इन वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स। कुछ ऐसे लैंड फॉर्म्स बताइए जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर में आपको मिल जाएंगे बट वेस्ट फ्लोइंग रिवर में आपको नहीं मिले। तो ईस्ट फ्लोइंग रिवर में आपको डेल्टाज मिल जाएंगे, ईस्ट फ्लोइंग रिवर में आपको ऑक्सबो लेक्स मिल जाएंगी, मियांड्रिंग मिल जाएंगी, वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स में आपको ये सब नहीं मिलेगा। डेल्टा क्या होते हैं, मियांड्रिंग क्या होती है, ऑक्सबो लेक क्या हो सकती है, 11th क्लास फिजिकल ज्योग्राफी किताब पढ़ो, और अगर ढंग से पढ़िए तो जितना मैंने बताया इसके अलावा ऐसा कोई फिजिकल फीचर, कोई डिपोजिशनल लैंडफॉर्म, कोई इरोजनल लैंडफॉर्म जो कि ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर बनाती है बट वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर नहीं बनाती है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ जितने मैंने बताया उसके अलावा। फिर आप देखोगे तो कुछ और फिजियोग्राफिक फीचर्स हैं जो कि हमारे पेनिनसुलर ब्लॉक में पाए जाते हैं, जैसे टॉर्स, ब्लॉक माउंटेन्स, रिफ्ट वैलीज। देखिए रिफ्ट वैली और ब्लॉक माउंटेन में आपको बताऊंगा, नहीं रिफ्ट वैली पहले बता चुका हूँ, ब्लॉक माउंटेन मैंने आपको बताया था कि एक ज़मीन समतल है, थोड़ी टूट के नीचे चली गई तो बचा हुआ इलाका उठा नजर आएगा, वो ब्लॉक माउंटेन है। बेयर रॉकी स्ट्रक्चर्स, अच्छा हम ओकी हिल्स, कॉटसाइड डिक्स, टॉर्स, ये सब क्या चीज़ें, तो इनकी फोटो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। जैसे ये हैं हमोकी हिल्स, हमोकी हिल्स का मतलब होता है कि छोटे छोटे माउंट्स, ये ज़्यादा बड़े नहीं होते, तो माउंटेन्स के बगल में आपको छोटे छोटे उठे हुए टीले दिख जाएंगे, माउंड टाइप की, बिल्कुल माउंटेन जितने ऊपर नहीं होते, 50 फीट से कम ऊपर होते हैं ये, तो इनको आप बोलते हो हमोकी हिल्स। फिर अगर नेक्स्ट देखा जाए तो नेक्स्ट ये क्या, ये टॉर, इस प्रकार की जो रॉक चट्टाने होती हैं अक्सर कर आपको दिख जाएंगी, इनको टॉर्स बोला जाता है, यहाँ पे लोग फोटो वोटो खिंचाते जाके। और ये डिक है, एक्चुअली में बसाल्ट डिक है, और हम कॉर्डजाइट डिक की बात करें तो यहाँ पे बसाल्टिक रॉट है तो बसाल्टिक डिक हो गई, कॉर्डजाइट रॉक होती तो कॉर्डजाइट डिक होती, तो डिक दिख रहा है ना, ये चट्टान इसके पीछे चट्टान काफ़ी हद तक टूट गई है, तो कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर बना है, इसको आप क्या बोलते हो, इसको आप डिक बोलते हो। गॉट इट, ठीक है भाई। फिर क्या बताया जा रहा है, द वेस्टर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द प्लेट्यू हैज एन इम्फैटिक प्रेजेंस ऑफ ब्लैक सॉइल। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये जो इंडियन लैंड मास है, जब ये नॉर्दर्न मूवमेंट कर रहा था तो एक बड़े टेक्टोनिकली एक्टिव जोन से निकला, जहाँ पे बहुत सारा लावा एमिट हुआ इसके सरफेस पे, जिसके चलते इस इलाके में बहुत सारा ब्लैक कॉटन सॉइल जमा हो गया। तो यही बोला जा रहा है कि वेस्टर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द प्लेट्यू हैज प्रेजेंस ऑफ ब्लैक सॉइल, और ये ब्लैक सॉइल कॉटन को उगाने में मदद करता है, इसलिए इसको नाम दिया गया है ब्लैक कॉटन सॉइल। फिर आप देखोगे तो पेनिनसुलर प्लेट्यू में बहुत सी टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ हुई, इसका अपलिफ्टमेंट भी हुआ, सबमर्जेंस भी हुआ। ऑब्वियस सी बात है, देखिए अब ये गोंडवाना लैंड से टूटा पाइप, पूरा का पूरा इक्वेटर कवर करता हुआ लॉरेशिया से आके जुड़ा, तो कितने टेक्टोनिकली एक्टिव जोन से टूटा होगा, जब पेंजिया से टूटा होगा तब कुछ टेक्टोनिक एक्टिविटी हुई होगी, तो इतना लंबा मिलियंस ऑफ ईयर का समय हो चुका है, तो डेफिनेटली इस पेनिनसुलर प्लेट्यू में बहुत सी ऐसी जगह होंगी जो ऊपर उठी होंगी, बहुत सी ऐसी जगह होंगी जो नीचे धस गई होंगी। जैसे कि एक फॉल्ट है, भीमा फॉल्ट, मैंने आपको बताया कि भीमा फॉल्ट भीमा बेसिन पे, जो कि महाराष्ट्र और आपका कर्नाटका के बॉर्डर पे आता है, तो इतना डिटेल में उसको देखने की ज़रूरत नहीं है। तो कुल मिला के आप देखोगे इस फॉल्टिंग की वजह से, फ्रैक्चर्स की वजह से, टेक्टोनिक एक्टिविटी की वजह से पेनिनसुलर प्लेट्यू के रिलीफ में बहुत डाइवर्सिटी आ गई। रिलीफ मतलब जो अपर एज है पेनिनसुलर प्लेट्यू की, जो सरफेस है वो पेनिनसुलर प्लेट्यू की, वो कैसी है, कहाँ उठी, कहाँ दबी, कहाँ सपाट, कहाँ टेढ़ी मेढ़ी, इसको आप रिलीफ बोलते हो। फिर अगर बात की जाए
तो इस प्लेडी के नॉर्दर्न वेस्ट नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में आपको रेवाइंस और गॉर्जेस मिलते हैं। तो ओवरऑल अगर ये प्लेटी है तो इस नॉर्थ वेस्ट पार्ट में, तो इस नॉर्थ वेस्ट पार्ट में थोड़ा बहुत गुजरात, थोड़ा बहुत आपका मध्य प्रदेश, थोड़ा बहुत आपका राजस्थान आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको चंबल, भिंड और मोरेना के रेवाइंस की बात, देखिए गॉर्जेस आपको पता है क्या होते हैं, होता है ना कि चट्टानों को तोड़ती हुई नदी निकल गई तो गॉर्ज हो गई। एक समय पे ये जो चंबल की बीहड़ जमीन है, आज की डेट में जो चंबल की बीहड़ जमीन नज़र आती है, हो सकता है वहाँ पे कोई पानी का सोर्स बहता हो, और पानी के सोर्स ने क्या किया हो कि इधर जो चट्टानें उठी हुई हैं और इधर जो चट्टानें उठी हुई इसके बीच में एक गड्ढा सा बना दिया हो, इसको आप रेवाइन बोलते हो। रेवाइन और गॉर्जेस में इतना ही फर्क होता है कि गॉर्जेस चौड़े होते हैं और गॉर्जेस के बगल में जो पहाड़ होते हैं वो ऊँचे होते हैं। रेवाइंस के बगल के पहाड़ ज़्यादा ऊँचे नहीं है, रेवाइंस ज़्यादा चौड़े नहीं है। पहाड़ ज़्यादा इस ऊँचे क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारा इरोजन ऑलरेडी हो चुका है और अब ये बिल्कुल सूखा नज़र आ रहा है। कभी यहाँ पे नदी बहती होगी, अब यहाँ पे नदी नहीं बहती, समझ गए। तो ये होते हैं आपके रेवाइंस। तो प्रोमिनेंट रिलीफ फीचर्स के आधार पर पेनिनसुलर प्लेट्यू को तीन भागों में बांटा जा सकता है, डेक्कन प्लेट्यू, सेंट्रल हाईलैंड और नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू। अगर इसका फिगर देखें तो सबसे ऊपर इसका फिगर है, यहाँ पे आपको दिख रहा है डेक्कन प्लेट्यू, यहाँ पे आपको दिख रहा है सेंट्रल हाईलैंड्स, यहाँ पे आपको दिख रहा है नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू। ठीक है भाई, एक एक करके इनकी जानकारी देखते हैं। डेक्कन प्लेट्यू के वेस्ट में वेस्टर्न घाट, ईस्ट में ईस्टर्न घाट्स और साउथ नॉर्थ में सतपुरा, बायकाल और महादेव हिल्स। तो भाई एक एक करके दोनों को देखते हैं। तो ये डेक्कन प्लेट्यू इधर वेस्टर्न घाट्स, इधर ईस्टर्न घाट्स, और नॉर्थ में क्या बोला इसने, तो इसके नॉर्थ में बोला गया है कौन कौन सी रेंजेस, सतपुरा, मैकाल और महादेव। तो भैया नक्शे पे आ जाओ, नक्शे पे है, यहाँ पे सतपुरा रेंज आपको ये नज़र आ रही है, दिस सतपुरा रेंज, दिस इज मैकाल रेंज, दिस इज महादेव हिल्स। तो यही बोला गया ना, सतपुरा, मैकाल और महादेव। तो इनकी लोकेशन आपको इस पर्टिकुलर मैप में यहाँ, यहाँ और यहाँ नजर आ गई। तो ये नॉर्दर्न एज है, किसका नॉर्दर्न एज है, डेक्कन प्लेट्यू का। तो यहाँ पे डेक्कन प्लेट्यू खत्म हो जाता है। सतपुरा के और नॉर्थ में चले जाओगे तो क्या आ जाएगा, फिर आ जाएगा आपका सेंट्रल हाईलैंड्स, उसको थोड़ी देर में हम लोग डिस्कस करते हैं। वेस्टर्न घाट्स की अगर आप बात करोगे तो वेस्टर्न घाट्स को हर जगह पे वेस्टर्न घाट्स नहीं बोला जाता, ओवरऑल एरिया वाइज वेस्टर्न घाट्स का नाम बदल जाता है। फॉर एग्जाम्पल वेस्टर्न घाट्स को महाराष्ट्र में सह्याद्री बोला जाता है, कर्नाटका में नीलगिरी हिल्स बोला जाता है, तमिलनाडु में नीलगिरी हिल्स बोला जाता है, केरला में अन्नामलाई हिल्स और कार्डमम हिल्स बोला जाता है। फिर अगर आप वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स को कंपेयर करोगे तो वेस्टर्न घाट्स थोड़े ऊंचे हैं व्हेन कंपेयर टू ईस्टर्न घाट्स, और वेस्टर्न घाट्स कंटिन्यूस है, मतलब वेस्टर्न घाट्स में बीच में पासेस कम है, कटे कम है, लेकिन ईस्टर्न घाट्स तो बहुत जगहों पर बटे हैं, ईस्टर्न घाट्स के बीच से नदियाँ निकल निकल के डेल्टा बनाती हैं। तो ईस्टर्न घाट्स कम कंटिन्यूस है, वेस्टर्न घाट्स बहुत ज़्यादा कंटिन्यूस है और वेस्टर्न घाट्स ज़्यादा ऊँचे हैं ईस्टर्न घाट्स से। फिर यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि जो वेस्टर्न घाट्स हैं उनका एवरेज एलिवेशन है 1500 मीटर विद द हाइट इंक्रीजिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। तो वेस्टर्न घाट्स में नॉर्थ टू साउथ जाओगे तो हाइट बढ़ेगी, और हाइट कितनी है एवरेज 1500 मीटर। सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी वेस्टर्न घाट्स की, अनाई मोड़ी 2695 मीटर, ठीक है, पेनिनसुलर प्लेट्यू की। इनफैक्ट वेस्टर्न घाट्स नहीं, पेनिनसुलर प्लेट्यू की सबसे हाईएस्ट पीक है ये अनाईमलाई हिल्स वेस्टर्न घाट्स में, और उसके बाद जो सबसे ऊंची पीक है वो है डोडा बेटा पीक 2637 मीटर नीलगिरी हिल्स में। पेनिनसुलर रिवर्स की बात की जाए तो ज़्यादातर पेनिनसुलर रिवर्स आपकी वेस्टर्न घाट से निकलती है। ईस्टर्न घाट्स की बात की जाए तो डिसकंटिन्यूस है, बहुत जगहों पे कटे हुए हैं, छोटे छोटे हिल्स हैं, हाईली इरोडेड हैं, और महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी इनके बीच से निकल के बड़े बड़े डेल्टास बनाती हैं। फिर कुछ इंपॉर्टेंट हिल रेंजेस की बात की जाए तो जवाड़ी हिल्स, पालकोंडा रेंज, नल्ला मल्ला हिल्स, महेंद्रगिरी हिल्स, ये कहाँ पे हैं, ये सब ईस्टर्न घाट्स में। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स एक दूसरे से नीलगिरी हिल्स पे मिलते हैं। यहाँ देखिए आपको ईस्टर्न घाट्स में नल्ला मल्ला, पालकोंडा, जवाड़ी, शिवरॉय ये सब मिल जाएंगे। ये जो नीलगिरी हिल्स वाला पॉइंट है ना, यहाँ पे वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स ये एक दूसरे को टच करते हैं, ठीक है, गॉट इट। फिर आगे बात करते हैं सेंट्रल हाईलैंड्स की बात करते हैं। दे आर बाउंडेड टू द वेस्ट बाय अरावली, सतपुरा इज अ सीरीज ऑफ स्कार्प्ड प्लेट्यूज टू द साउथ, जनरली एट एन एलिवेशन बिटवीन 600 टू 900 मीटर। तो देखिए अगर आप यहाँ देखो तो ये जो सेंट्रल हाईलैंड है इसके नॉर्थ वेस्ट में अरावली बोला जा रहा है, अगर अरावली यहाँ से निकल रहा है तो आपका सेंट्रल हाईलैंड ऑलमोस्ट अरावली तक पहुँचा है,
मतलब पूरी तरीके से तो नहीं बट ऑलमोस्ट अरावली तक पहुंचा। तो बाउंडेड टू द वेस्ट बाई अरावली रेंज, साउथ में सतपुरा रेंज है। तो भैया इसके साउथ में यहाँ पे आपको सतपुरा रेंज नजर आएगी। आपको पता है कि डेक्कन प्लेट्यू का जो नॉर्दर्न एंड होता है वो आपका सतपुरा रेंज है, और सतपुरा रेंज के नॉर्थ में शुरू होगा सेंट्रल हाईलैंड, जो कि ऑलमोस्ट पूरा का पूरा अरावली रेंज तक पहुंचता है। ठीक है भाई, अगर आप सतपुरा की बात करो तो सतपुरा इज अ रेलिक्ट माउंटेन, और ये रेलिक्ट माउंटेन रेंजेस आपको कहाँ मिल जाएंगी, सेंट्रल हाईलैंड्स में मिल जाएंगी। सेंट्रल हाईलैंड्स में बहुत सारी ऐसी चट्टानें आपको दिखेंगे। कुल मिला के इन इलाकों में जो भी थोड़े बहुत पहाड़ थे वो पहाड़ बहुत इरोड हुए हैं, दे आर हाईली डेन्यूडेड, ऊंचे थे बट काट काट के रीजनल फैक्टर्स ने उनको बहुत नीचा कर दिया। तो जो भी माउंटेन्स मिल रहे हैं वो आपको कम हाइट के मिल रहे हैं, और कोई कंटिन्यूस रेंज नहीं मिल रही। सतपुरा फिर भी बहुत कंटिन्यूस रेंज है, ठीक है ना, ओके ओवरऑल काफ़ी कंट, लेकिन सेंट्रल हाईलैंड्स में जो आपको आप कह सकते हो कि माउंटेन्स वगैरह मिलते हैं ना, वो कंटिन्यूस रेंज में नहीं है, बीच में बहुत कटे हुए हैं, कम हाइट के हैं कंपेयर टू सतपुरा रेंज। सतपुरा रेंज साउथ में है इसके, गॉट इट। फिर पेनिनसुलर प्लेटू की बात की जाए तो पेनिनसुलर प्लेटू जैसलमेर तक पहुंचता है वेस्ट में। तो अगर हम इस पर्टिकुलर फोटो को देखें तो जैसलमेर कहाँ है, तो जैसलमेर बेसिकली यहाँ कहीं है दोस्तों। अब जैसलमेर यहाँ है और यह क्या बोल रहे हैं कि पेनिनसुलर प्लेटू के एक्सटेंशन जैसलमेर तक पहुँचते हैं। तो ओवरऑल आप समझ सकते हो कि यहाँ पे जो फिगर है इसमें कंप्लीट मैसेज कुछ समझ लीजिए कि इतना आपका सेंट्रल हाईलैंड है, आप ये समझ लीजिए, और नीचे जो प्लेट्यू है ना वो प्लेट्यू यहाँ तक खींच रहा है भाई, ठीक है, जैसलमेर तक ये प्लेट्यू खींच रहा है। अब देखिए आगे क्या बताया जा रहा है, ये जो जैसलमेर वाला इलाका है जहाँ पे आपका पेनिनसुलर प्लेट्यू पहुँच रहा है वहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल सैंड रिजेस और क्रशन शेप्ड सैंड ड्यून्स मिल जाते हैं जिनको आप बारचन बोलते हो। बारचन में फिगर के साथ पूरी साइंस के साथ फिजिकल ज्योग्राफी 11th क्लास में पढ़ा चुका हूँ, यहाँ दोबारा रिपीट नहीं करूँगा। प्लस ये जो सेंट्रल हाईलैंड वाला जो इलाका है ना, इट हैज़ अंडरगॉन मेटामॉर्फिज्म इन इट्स जियोलॉजिकल हिस्ट्री। एक्चुअली बात समझिए, यहाँ पे कन्फ्यूज मत होइएगा, हो सकता है मेरे वर्ड से आप थोड़ा कन्फ्यूज हो गए हो। यहाँ पे जो सबसे बड़ा हेड है वो सबसे बड़ा हेड है आपका पेनिनसुलर प्लेट्यू। डेक्कन प्लेट्यू भी पेनिनसुलर प्लेट्यू का पार्ट है, सेंट्रल हाईलैंड भी पेनिनसुलर प्लेट्यू का पार्ट है, नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू भी पेनिनसुलर प्लेट्यू का पार्ट है। हम यहाँ पे जो सेग्रीगेशन कर रहे हैं ना वो डेक्कन प्लेट्यू और सेंट्रल हाईलैंड के बीच में कर रहे हैं। तो ये जो मैंने आपको सतपुरा रेंज बताई थी ना, इसके साउथ में आपका डेक्कन प्लेट्यू है और नॉर्थ में आपका सेंट्रल हाईलैंड है। नॉर्थ और साउथ दोनों ही पेनिनसुलर प्लेट्यू में आते हैं। तो अगर मैं कभी डेक्कन प्लेट्यू की बजाय पेनिनसुलर प्लेट्यू बोल गया हूँ तो कन्फ्यूज मत होइएगा, समझ रहे हैं ना बात को, हम ओवरऑल पेनिनसुलर प्लेट्यू को पढ़ रहे हैं। और यहाँ पर यही बताया गया कि जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है वो यहाँ जैसलमेर सिटी तक पहुँचा हुआ है। तो ओवरऑल ये पूरा का पूरा डेक्कन प्लेट्यू, ये पूरा का पूरा सेंट्रल हाईलैंड, ये सब आपका पेनिनसुलर प्लेट्यू का फॉर्म है, और ये पेनिनसुलर प्लेट्यू आपका इंडियन डेजर्ट तक पहुंचा है। तो अभी के लिए जो हम बाउंड्रीज पढ़ रहे हैं ना कि सेंट्रल हाईलैंड के नॉर्थ वेस्ट में अरावली मिलेगी, डेक्कन प्लेट्यू के नॉर्थ में सतपुरा मैकाल महादेव मिलेंगे, ये सब डेक्कन प्लेट्यू सेंट्रल हाईलैंड की बाउंड्रीज हैं, ये सब अपने आप में ही पेनिनसुलर प्लेट्यू के हिस्से हैं। कन्फ्यूज ना हो इसलिए मैं बोल दिया, चूँकि हो सकता है कहीं कहीं मैं डेक्कन प्लेट्यू की बजाय पेनिनसुलर प्लेट्यू बोल जाऊँ जल्दी जल्दी में, आप मत कन्फ्यूज होइएगा। फिर इस पूरे के पूरे सेंट्रल हाईलैंड वाले इलाके में आपको मेटामॉर्फिक रॉक्स मिलेंगे जैसे कि मार्बल स्लेट ग्नीस, मतलब ओवरऑल यहाँ पे बहुत सारे मेटामॉर्फिक प्रोसेसेस हुए हैं, बहुत सारी ऐसी ज़मीन थी या फिर कंसोलिडेटेड डिपॉजिट्स थे जो नीचे दबते चले गए और प्रेशर के अंदर वो मेटामॉर्फिक रॉक्स में कन्वर्ट हो गए। सेंट्रल हाईलैंड्स का अगर आप एलिवेशन देखते हो इट इज़ 700 to 1000 meters अब मेन सी लेवल, और इसका डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ से नॉर्थ ईस्टर्न है। तो अगर ये सेंट्रल हाईलैंड्स है, ठीक है, तो कुछ इस तरफ इसका डायरेक्शन निकल के आ रहा है, ठीक है भाई। लेकिन ऑब्वियस ही बात है सेंट्रल हाईलैंड से ज़्यादा नदियाँ नहीं निकलती हैं, जो भी नदियाँ निकलती हैं वेस्टर्न घाट से निकलती हैं, और इनका डायरेक्शन आपका ऐसा होता है, ठीक है भाई। अच्छा, सेंट्रल हाईलैंड से जो नदियों का इस तरीके का डायरेक्शन निकल के आ रहा है ना, यहाँ से बहुत सारी नदियाँ निकल के भी जाके मिलने वाली हैं कहाँ पे, यमुना में, उसके बारे में भी बात करेंगे। खास बात यह है कि यमुना की ज़्यादातर जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो विंध्यन रेंज से निकलती हैं और कैमूर रेंजेस से निकलती हैं, और ये जो विंध्यन और कैमूर है ये आपका सेंट्रल हाईलैंड में ही आता है, समझिए। चूंकि ये सेंट्रल हाईलैंड है, मैं यहाँ फिगर के दिखाता हूँ, ये सेंट्रल हाईलैंड में थोड़ा सा इसको इरेज कर देता हूँ चूँकि यहाँ पे काफ़ी मेसी हो रखा है, ठीक है, अब थोड़ा सा आपको क्लियर दिखेगा। तो इस सेंट्रल हाईलैंड की जो स्लोप है वो कुछ ऐसी है, इस तरीके से स्लोप दिखे, तो यहाँ पे जो भी नदियाँ दिखेंगी वो ऐसे बहेंगी, ठीक है ना। तो ओवरऑल यहाँ पे जो
ज्यादातर यमुना की ट्रिब्यूटरीज हैं, वो कहाँ से, विंध्यन रेंज से निकल रही, कैमूर रेंज से निकल रही। विंध्यन कैमूर में आपको नक्शे पे दिखा चुका हूँ, ये सब जाके आपकी किससे मिल जाती, यमुना से मिल जाती। बानस नदी भी जाके आपकी यमुना से मिलती है। एक्चुअली बानस नदी पहले जाके चंबल से मिलती है और चंबल फिर जाके यमुना से मिलती है, लेकिन ये जो बानस नदी है ना, ये अरावली हिल से निकल रही है, ठीक है, ये याद रखिएगा। बाकी जितनी भी यमुना की ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है ना, वो कहाँ से निकल रही, विंध्यन और कैमूर रेंजेस से, बट ये जो बानस नदी है वो चंबल से निकल, ओ सॉरी, वो आपकी अरावली हिल से निकल रही। एक बार इसका फिगर देखते हैं, ये देखिए यहाँ पे, इस फिगर में आपको क्या नजर आ रहा है, मैं इरेज कर देता हूँ, मैं काल रेंज वगैरह पे मैंने पॉइंट कर रखा चीज़ें। हाँ, अब ध्यान से देखिए, अगर आप देखोगे तो ये जो बानस नदी आ रही ना, ये वाली बानस नदी, ये कहाँ से आ रही, अरावली रेंज से आ रही। ये बानस नदी कहाँ जाके मिली, चंबल में जाके मिली, चंबल यहाँ से आ रही। चंबल में और कौन कौन सी नदियाँ मिल रही, काली सिंध मिल रही, पार्वती मिल रही, चंबल फाइनली जाके यमुना में मिल रही। यमुना में और कौन कौन सी नदियाँ मिल रही, सिंध मिल रही है, बेतवा मिल रही है, बेतवा और दसान मिलके फिर फाइनली जाके वो यमुना में मिल रही हैं, ठीक है ना, केन मिल रही है। तो ये कुछ नदियां हैं जो जाके सीधे यमुना में गिर रही हैं। ज़्यादातर जो यमुना के ट्रिब्यूटरीज हैं वो आपकी विंध्यन रेंज से निकलती हैं या फिर वो आपकी कैमूर हिल्स से निकलती हैं, और एक बड़ी ट्रिब्यूटरी चंबल की बानस, जो कि फाइनली अपना पानी यमुना में ही ड्रेन करेगी, वो अरावली रेंज से निकल रही है, ठीक है। फिर आप देखोगे सेंट्रल हाईलैंड का जो ईस्टर्न एक्सटेंशन है वो कहाँ तक गया, राजमहल हिल्स तक गया है। टू द साउथ ऑफ विच लाइज अ लार्ज रिजर्व ऑफ मिनरल रिसोर्सेज इन छोटा नागपुर प्लेटू। छोटा नागपुर प्लेटू की लोकेशन मैंने आपको दिखाई, और जो सेंट्रल हाईलैंड्स का ईस्टर्न एज है वो कहाँ तक जाता है, वो भाई राजमहल हिल्स तक जाता है। तो सेंट्रल हाईलैंड्स ईस्टर्न हेड राजमहल हिल्स तक। एक बार हम लोग राजमहल हिल्स की लोकेशन देखते हैं, क्या दिख रही है, जी हाँ बिल्कुल दिख रही है, उसके साउथ में या नॉर्थ में आपका, साउथ में आपका छोटा नागपुर प्लेटू है। छोटा नागपुर प्लेटू इज अ वेरी मिनरल रिच रिसोर्स रीजन। फिर बात करते हैं नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू की। ये जो नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू है ये भी मेन पेनिनसुलर प्लेटू का ही एक्सटेंशन है। नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू कौन सी प्लेटू की बात हो रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर इलाके की बात हो रही है नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू की। इसको मैंने पहले भी आपको दिखाया, ठीक है। तब नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू के बारे में क्या बताया जा रहा है कि इट इज बिलीव्ड दैट ड्यू टू फोर्स एक्सर्टेड बाई द नॉर्थ ईस्टर्न मूवमेंट ऑफ द इंडियन प्लेट एट द टाइम ऑफ हिमालय, a huge fault was created between the Rajmahal Hills and the Meghalaya Plateau. Later, this depression got filled up by the deposition activity of numerous rivers. Today, the Meghalaya and Karbi Anglong Plateau stand detached from the main peninsula block. मैं आपको Meghalaya Plateau और Karbi Anglong Plateau दोनों नक्शों पे दिखा चुका हूँ, फिर से एक बार दिखाता हूँ, लेकिन आप समझिए, जहाँ पे राजमहल हिल्स है यहाँ पे राजमहल हिल्स है, और इसके उस तरफ चले जाएंगे तो आपका मेघालय प्लेटू आएगा। इसके बीच में जो जगह थी ना, यहाँ पे एक फॉल्ट आ गया जिसको मालदा फॉल्ट बोला जाता है। तो इस पर्टिकुलर फिगर को देखो, अगर यहाँ पे है आपका राजमहल हिल्स और यहाँ पे है आपका मेघालय प्लेटू और इधर कहीं आपका कार्बी एंगलोंग प्लेटू, तो ये जो बीच में आपका बना ना, ये फॉल्ट था, ये फॉल्ट एक खड्डा था, यहाँ पे ज़मीन टूटी फैल गई और फैली हुई ज़मीन में खड्डा था, लेकिन उस खड्डों को नदियों के सेडिमेंट में भर दिया, तो हमें सपाट ज़मीन नज़र आ रही है। काफ़ी सारा इलाका यहाँ पे बांग्लादेश में चला जाता है इस गट्टे वाला, इसलिए इसको ज़्यादा डिस्कस नहीं किया जाता है इंडिया की फिजियोग्राफी में। बहुत हद तक इसका हिस्सा आपका वेस्ट बंगाल में भी आता है, गॉट इट। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ये जो मेघालय प्लेटू यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे तीन हिल्स हैं, गारो हिल्स, खासी हिल्स, जयंतिया हिल्स। ये तीनों हिल्स किस नाम पे पड़े, तो यहाँ पे जो ट्राइब्स रहती हैं उन ट्राइब्स के नाम पे ये गारो खासी जयंतिया हिल की जो नाम है वो नामकरण का हुआ। देखिए ये लिखा है कि जो मेघालय प्लेटू तीन हिल्स में डिवाइडेड है, गारो खासी जयंतिया जो ट्राइबल ग्रुप्स यहाँ रुकते हैं उनके नाम पे ये नाम रखा गया, ठीक है भाई। फिर आसाम में कार्बी एंगलोंग हिल्स मिलते हैं इसी मेघालय प्लेटू का एक्सटेंशन, कार्बी एंगलोंग प्लेटू भी मैंने आपको दिखाई दिया। फिर जैसे छोटा नागपुर प्लेटू मिनरल रिच है, वैसे ही जो मेघालय प्लेटू है ये भी काफ़ी मिनरल रिच है। यहाँ पे कोल, आयरन और सिलिमेनाइट, लाइमस्टोन, यूरेनियम सब कुछ मिल जाएगा। इस एरिया में अच्छी खासी रेनफॉल होती है। मैंने आपको बताया है कि मेघालय में क्या पहाड़ है और यहाँ पे इन पहाड़ों के चलते फनलिंग इफेक्ट आता है। फनलिंग इफेक्ट क्या है कि गोल गोल पहाड़ है, जो मानसून जाता है वो हमारे नॉर्थ ईस्ट के पहाड़ों के बीच में फंस जाता है और घूम घूम के वहाँ पर बहुत बारिश कराता है। फिजिकल ज्योग्राफी में सब पढ़ाया है मैंने आपको। तो मेघालय में सबसे ज़्यादा बारिश होती थी चेरापूंजी, मैसेनराम,
ये कौन से बेसिस पे होती थी, क्योंकि जो हमारा साउथ वेस्ट मानसून था उसकी जो बे ऑफ बंगाल ब्रांच थी वो उसकी विंड्स जाके आपके नॉर्थ ईस्ट के पहाड़ों में फंस जाती थी और फंसने की वजह से वो वहीं बारिश कराती रहती थी, तो फनलिंग इफेक्ट के चलते बहुत बारिश होती थी, क्योंकि इधर पहाड़ इधर पहाड़ इधर पहाड़ इधर पहाड़ इधर पहाड़, एक बार विंड अंदर घुसी तो बाहर नहीं निकल पाएगी, वो फंस गई और फिर यहाँ खूब बारिश ही बारिश होती रहेगी, समझ गए। अब ज़्यादा बारिश होने की वजह से जो मेघालय प्लेटू की सतह है वो बहुत इरोड हो चुकी है, ठीक है ना। तो चेरापूंजी में आपको बिल्कुल रॉक की सतह मिलेगी, कोई वेजिटेशन नहीं है, क्योंकि देखिए वेजिटेशन को पानी चाहिए बट इतना ज़्यादा पानी भी नहीं चाहिए, पानी ही बरसता रहेगा हमेशा तो वेजिटेशन पनप ही नहीं पाएगी, इसीलिए आपको बिल्कुल बेयर रॉकी प्लेटू मिलता है मेघालय में, कोई वेजिटेशन ज़्यादा नहीं मिलती। फिर बात करते हैं इंडियन डेजर्ट की, अरावली हिल्स के अगर आप नॉर्थ वेस्ट में चले जाते हो तो आपको मिलता है ग्रेट इंडियन डेजर्ट, ठीक है। इस ग्रेट इंडियन डेजर्ट में आपको बहुत सारे लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स मिल जाएंगे, अनड्यूलेटिंग टोपोग्राफी है, देखो नीचे गया ज़मीन फिर ऊपर गई फिर नीचे गई फिर ऊपर गई, यहाँ पे जो बारिश है वो 15 सेंटीमीटर पर ईयर से कम है, वेजिटेशन कवर ना के बराबर है, इसीलिए इसको मरुस्थली भी बोला जाता है आपका इंडियन डेजर्ट को। ऐसा बोला जाता है कि ये जो पर्टिकुलर इलाका था, इट इज़ बिलीव्ड दैट ड्यूरिंग द मेसोज़ोइक एरा द एरिया वॉज अंडर द सी, मतलब कई करोड़ों साल लाखों करोड़ों साल पहले ये जो इलाका था समुंदर के नीचे था। अब समुंदर के नीचे कैसे हो सकता है, तो देखिए ये बात क्लियर है, आपको पता है कि पेंजिया टूटा, अब हो सकता है पेंजिया से पहले पेंजिया भी टूटा रहा हो, कोई और सुपर कॉन्टिनेंट रहा हो, तो ये जो हमारी प्लेटें हैं ये लगातार मूव पे रही हैं, तो कोई भी जो पर्टिकुलर इलाका है हो सकता है कभी बर्फ़ के नीचे रहा हो सकता है कभी रेगिस्तान के नीचे रहा हो सकता है कभी पानी के नीचे रहा हो, तो ये जो हमारा थार डेजर्ट वाला इलाका है ये पानी के नीचे रहा है। इसका एविडेंस क्या है, तो एविडेंस अवेलेबल है फूड फॉसिल पार्क एट अकाल एंड मरीन डिपॉजिट्स अराउंड ब्रह्मसार नियर जैसलमेर, तो जैसलमेर के पास मरीन डिपॉजिट्स मिलते हैं और यहाँ से समुंदर पास नहीं है, यहाँ से अगर आप गुजरात और ओवरऑल कच्छ तक जाओगे तो रास्ता अच्छा खासा दूर है, तो मरीन डिपॉजिट्स यहाँ पे हैं, तो इसका मतलब हो सकता है कि हम समुंदर रहो, हो सकता है ये हमारा अरेबियन सी वाला ही समुंदर रहो, इसके ऊपर भी एक बहुत लंबी चौड़ी ज्योग्राफिकल थ्योरी है, ठीक है भाई। ये जो अप्रॉक्सीमेट एज है इन वुड फॉसिल्स की, जो कि ये बताते हैं कि आप समुंदर रहा होगा, ये 180 मिलियन ईयर्स यानी 18 करोड़ साल, मीज़ोज़ोइक एरा, सो क्या पता भाई 18 करोड़ साल पहले क्या हुआ, समझ गया। फिर आप देखोगे जो अंडरलाइंग लॉक स्ट्रक्चर है डेजर्ट्स का वो पेनिनसुलर प्लेट्यू है, मतलब पेनिनसुला का जो पठार है ना, पठार जैसी चट्टान है नीचे, लेकिन उस चट्टान के ऊपर एक्सट्रीम एरिड कंडीशंस के ऊपर रेत जमा हो गई है, बहुत फिजिकल वेदरिंग विंड एक्शन, उन चट्टानों को भी गर्म कंडीशंस और खतरनाक हवाओं ने तोड़ के इतना इरोजन किया कि वहाँ पे बिल्कुल ही रेगिस्तान नजर आता है। प्रोनाउंस्ड डिजर्ट लैंड फीचर्स हैं, मशरूम रॉक्स मिलती हैं, सैंड ड्यून्स मिलते हैं, ओएसिस मिलते हैं, इनका शेप क्या है ये देखिए, डेजर्ट के भी इरोजनल और डिपोजिशनल लैंडफॉर्म फिजिकल ज्योग्राफी में कंप्लीट कर चुके हैं, वहाँ देखिए। फिर क्या बताया जा रहा है कि सम ऑफ द वेल प्रोनाउंस्ड डेजर्ट लैंड, ये तो बता दिया मैंने। On the basis of orientation, the desert can be divided into two parts. The northern part is sloping towards Sindh and southern parts towards run of Kutch. Most of the rivers are ephemeral. The Luni River flowing to the southern part is of some significance. Low precipitation and high evaporation makes it a water deficit region. एक बार हम लोग इस desert पे चलते हैं, हम इस desert पे आ चुके हैं, एक बार इस desert को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए इस डेजर्ट की बात की जाए तो इसको दो भागों में बांटा गया, ऐसा आप इसको कह लो नॉर्दर्न भाग, इसको कह लो सदर्न भाग। ये जो नॉर्दर्न भाग का स्लोप है ना ये इस तरफ है, यहाँ पे सिंध प्रोविंस है पाकिस्तान की, तो इस तरफ इसका स्लोप जाता है, लेकिन ये जो सदर्न भाग है ना आपका, इसका स्लोप इस तरफ है साउदर्न साइड पे, तो ये बताया जा रहा है। तो ये जो सदर्न पार्ट है हमारे रेगिस्तान का, राजस्थान का, आप ये कह लीजिए थार डेजर्ट का, राजस्थान तो नहीं बोलना चाहिए क्योंकि गुजरात में भी डेजर्ट एक्सटेंड कर रहा है, तो इस डेजर्ट का जो साउदर्न पार्ट है दैट इज एक्सटेंडेड टुवर्ड्स रण ऑफ कच्छ, और जो आपका डेजर्ट का नॉर्दर्न पार्ट है दैट इज स्लोपिंग टुवर्ड्स सिंध। यहाँ पे जो भी नदियाँ हैं, देखिए उसका कोई प्रॉपर सोर्स तो है नहीं, अरावली से मान लो अगर नदी निकल भी जाती है तो वो नदी समुंदर तक पहुँचेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है, कई बार तो क्या है कि वो नदी अंदर ही खो जाती है, तो होता ही है कि बहुत सी नदियाँ ऐसे इन इलाकों में जो कि समुंदर तक पहुँचती नहीं है, वो बीच में ही किसी ओएसिस में जाके मिल जाती हैं। ओएसिस आपको पता है कि रेगिस्तान के बीच में भी कहीं कहीं पे वाटर सोर्सेस हो जाते हैं, तो वो जो वाटर सोर्सेस हैं उन वाटर सोर्सेस को अंडरग्राउंड वाटर भी हो सकता है फीड कर रहा हो, या फिर हो सकता है आसपास की कोई नदी फीड कर रही हो, तो ये जो ओएसिस होता है
ओएसिस बनते हैं आपके रेगिस्तानों के बीच में। बहुत सारी जो रेगिस्तान की नदियां हैं ना, ऐसा बोला जाता है कि वो ओएसिस में जाके गिर जाती हैं। अगर आप इनमें से किसी एक नदी की बात करो तो मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप इस पर्टिकुलर नक्शे को देखो तो क्या इस नक्शे में आपको ऐसी कोई नदी नजर आ रही है जो कि समुंदर तक नहीं पहुंच रही है, आपकी रेगिस्तान में ख़त्म हो जा रही है? तो जी हाँ, बिल्कुल, ये नूली नदी है, ये लूनी नदी ऐसे आ रही है और ओवरऑल समुंदर तक नहीं है, ये इनलैंड ही अपना पानी ड्रेन कर देती है मोस्ट प्रॉब्ली किसी ओएसिस में। तो किसी ओएसिस में जाके लूनी नदी अपना पानी डंप कर देती है, रन ऑफ कच्छ तक ये नहीं पहुंच पाती है। गॉट इट? फिर आगे बात करते हैं, इस इलाके में बहुत प्रेसिपिटेशन, सॉरी, बारिश कम है और इवेपोरेशन ज़्यादा है, तो ओवरऑल रीजन कैसा हो जाएगा? वाटर डेफिसिट हो जाएगा, ये बात हमको पता ही। कुछ स्ट्रीम्स कभी कभी पैदा होती हैं लेकिन कुछ डिस्टेंस तक वो बहती हैं और फिर ख़त्म हो जाती हैं। ओवरऑल जो रिवर्स यहाँ पे वो एफेमेरल है, एफेमेरल मतलब लास्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम। जो लेक्स हैं और जो प्लायर्स हैं वहाँ ब्रैकिश वाटर है, ब्रैकिश वाटर तो भाई हो गई, वहाँ पे पानी का कोई सोर्स ही नहीं है, ना ज़्यादा नदियाँ हैं और ना ही बारिश हो रही है, तो पानी फ्रेश वाटर कहाँ से होगा? ब्रैकिश ही होगा, मतलब खारा पानी होगा, और खारा पानी से नमक बनाया जाता है। तो राजस्थान में सॉल्ट मेकिंग जो एंटरप्राइजेज हैं वो काफ़ी काम करते हैं, ठीक है भाई। लेकिन समझिए, यहाँ पे भी सॉल्ट को उगाने के लिए थोड़े बहुत पानी की तो ज़रूरत है ही, क्योंकि सॉल्ट सूखेगा तभी तो आपको पानी मिलेगा। अभी रेत के बीच में तो सॉल्ट को सेग्रीगेट कर नहीं पाओगे। फिर बात करते हैं कोस्टल प्लेन्स की, ठीक है भाई। एक्टिव जियोमॉर्फिकल प्रोसेस की वजह से आप कह सकते हो कि हमारे जो ईस्टर्न और वेस्टर्न एज है वहाँ पे कोस्टल प्लेन्स बने, जैसे वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। यहाँ पे देखिए, अगर और ओवरऑल इस इलाके को देखोगे तो वेस्टर्न घाट्स के वेस्ट में आपको एक इस तरीके का स्ट्रेच नज़र आ रहा है, दिस बेसिकली वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, और ईस्टर्न घाट्स के ईस्ट में भी एक प्रकार का स्ट्रेच नज़र आ रहा है। तो ये आपके कोस्टल प्लेन्स हैं, समुंदर से लगे हुए प्लेन इलाके जहाँ पे एग्रीकल्चर हो सकता है। बहुत सिंपल बात मैं बता देता हूँ, ईस्टर्न घाट्स के ईस्ट में हमारे जो ईस्टर्न कोस्ट है वहाँ पे जो वेस्टर्न, वहाँ पे जो कोस्टल प्लेन्स बनते हैं, सॉरी ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स बनते हैं, वो बहुत चौड़े हैं, और जो हमारे वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स बनते हैं वो बहुत पतले हैं, ठीक है। अब इसकी वजह क्या है? वजह सिंपल है, देखिए वेस्टर्न घाट्स के वेस्टर्न एज पे बहुत बारिश होती है और कोई बहुत लंबी नदी बह के यहाँ पे नहीं आती है हमारे वेस्टर्न एज में। अगर आप देखो तो वेस्ट में समुंदर में गिरने वाली नदियाँ बहुत लिमिटेड हैं, जैसे यहाँ पे आपको साबरमती नदी दिख रही है जाके गल्फ ऑफ खम्बत में गिर रही है, नर्मदा हो गई, तापी हो गई, माही हो गई, अभी इन सब नदियों में देखो ज़्यादा पानी है नहीं, मैं आपको सही बात बताऊँ, ठीक है। और नर्मदा तापी चूंकि रिफ्ट वैली में बहती हैं, अब चूंकि रिफ्ट वैली में बह रही है, नर्मदा तापी में पानी अच्छा है, रिफ्ट वैली में बह रही है, रिफ्ट वैली की जो बेस है ना वो इतना खुरदुरा है कि उसमें से ज़्यादा इरोजन हो नहीं पाएगा। जितना ओरिजन इधर की नदियाँ जैसे कि महानदी हो गई, नीचे गोदावरी हो गई, कृष्णा हो गई, कावेरी हो गई, इनकी ट्रिब्यूटरीज जितना इरोजन करेंगे नर्मदा तापी कभी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि नर्मदा तापी रिफ्ट वैली में बह रही हैं और रिफ्ट वैली पठार के ऊपर है, पठार तो क्या पेनिनसुलर भी है, लेकिन रिफ्ट वैली के नीचे की जो चट्टाने वो तो स्ट्रांग है, वो इरोड नहीं होती है, तो नर्मदा तापी ज़्यादा सेडिमेंट लेके नहीं आती। साबरमती में तो वैसे ही पानी कम है, माही में ज़्यादा सेडिमेंट है नहीं, और यहाँ पे जो वेस्टर्न घाट्स है ना, इन वेस्टर्न घाट्स में पानी तो है लेकिन पानी सेडिमेंट तब लाएगा जब सेडिमेंट बहुत लंबे समय तक पानी कवर करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक नदी यहाँ से बह के यहाँ जा रही है तो कितने सेडिमेंट उसने रास्ते में उठाए होंगे, और एक नदी यहाँ से निकली और यहाँ जाके गिर गई आपके अरेबियन सी में तो कितने सेडिमेंट उठा पाएगी। ऊपर से वेस्टर्न घाट की ऊंचाई बहुत होती है, एकदम से पानी गिरता है, तो ये तो पहाड़ी इलाका है, यहाँ तो ज़्यादा इरोजन हो नहीं पाएगा, और नीचे भी इरोजन का ज़्यादा स्कोप नहीं चूँकि जगह बहुत कम है। तो कुल मिला के जो हमारा वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा चौड़ा नहीं हो पाया, क्योंकि क्यों बहुत ज़्यादा चौड़ा नहीं हो पाया, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे वेस्टर्न एच पे कॉन्टिनेंटल शेल्फ ना के बराबर है, एकदम से अगर आप वेस्टर्न शेल्फ पे वेस्टर्न कोस्ट पे अंदर जाओगे ना एकदम से गहराई आ जाएगी। और मैंने आपको पहले भी बताया कि यहाँ जो द्वारका नाम की जो सिटी थी वो ज़मीन टूट के नीचे चली गई, अंडर वाटर चली गई, तो इंडियन मेनलैंड से बहुत सारी ज़मीन टूट के भी अंडर वाटर चली गई, तो पानी हमारे वेस्टर्न कोस्ट पे एकदम घटा हो रहा है, एकदम गहरा हो रहा है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ वहाँ ना के बराबर है। उसकी एक वजह तो ये है कि यहाँ पे सबमर्जेंस हुआ है हमारी रॉक्स का, और उसकी एक वजह ये है कि ऐसी नदियाँ मिसिंग है जो कि यहाँ पे सेडिमेंट लेके आए, जमा करें और ज़मीन को बनाएं। चूँकि मैंने पहले भी बताया है कि जब लंबी
डिस्टेंसेस कवर करके नदियाँ आती हैं और वो डेल्टा बनाती हैं, तो वहाँ पे इमर्जिंग कोस्ट बनता है और हमारा वेस्टर्न कोस्ट सबमर्ज्ड कोस्ट है। ये सबमर्ज्ड कोस्ट कैसे है पहले बता रखा है मैंने, इसीलिए ये सबमर्ज्ड कोस्ट है चूँकि हमारा वेस्टर्न कोस्ट और बहुत ज़्यादा इंडेंटेड है, इसलिए वहाँ से पोर्ट्स बनते हैं। देखिए पोर्ट में सुना होगा बहुत बड़े बड़े जहाज आके डॉक करते हैं, और बड़े बड़े जहाज़ों को डॉक करने के लिए गहराई चाहिए, और वो गहराई हमारे वेस्टर्न कोस्ट में मिलती है। ईस्टर्न कोस्ट पे आपने कोई बहुत बड़ा पोर्ट नहीं सुना होगा, चेन्नई की बात छोड़ दीजिए, चेन्नई के पास एक एन्नोर बन रहा है, इन सब की बात छोड़ो, वहाँ पे आर्टिफिशियल कंडीशंस बनाई गई हैं। लेकिन ज़्यादातर देखोगे तो जो हमारा ईस्टर्न कोस्ट है ना, वहाँ ज़्यादा नेचुरल पोर्ट नहीं है क्योंकि वहाँ गहराई नहीं है पानी की, बड़े बड़े डेल्टा बने हुए, बहुत ज़मीन है। लेकिन जो हमारे वेस्टर्न कोस्ट में मुंबई, कांडला, गोवा, मोरमो गोवा, यहाँ पर सब आपको अच्छे हार्बर मिलेंगे। क्यों? क्योंकि पानी की गहराई ज़्यादा है तो शिप्स आराम से यहाँ पर डॉक कर सकते हैं। तो कांडला, मसगांव, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, नवाशेवा, मार्मागोवा, मैंगलोर, कोची, JLN पोर्ट, ये सब आपको यहाँ पे मिलेंगे क्योंकि नेचुरल कंडीशंस हमारे वेस्टर्न एज पे सबमर्ज्ड कोस्ट है, जमीन टूट के नीचे चली गई है, रिवर सेडिमेंट लेके आ नहीं रही है, तो वहाँ पे कोई लैंड बन नहीं रहा है। लेकिन हमारे ईस्टर्न कोस्ट पे लैंड बन रहा है, ठीक है, तो ईस्टर्न कोस्ट पे लैंड बन रहा है तो वहाँ पे आप देखोगे कि ज़्यादा पोर्ट्स डेवलप नहीं हो सकते। और इसी लैंड बनने की वजह से जो हमारे ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है ना, वो चौड़े होंगे और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स पे कोई भी सेडिमेंट नहीं आ रहा, कोई भी लैंड नहीं बन रहा, एकदम से ज़मीन गहरी हो गई है, तो जो वेस्टर्न कोस्टल प्लॉट्स पे जो प्लेन्स है वो बहुत पतले हैं। इसीलिए हमारे वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स पे जो मतलब वेस्टर्न कोस्टल एज पे जो प्लेन है वो प्लेन काफ़ी पतले हैं, लेकिन ईस्टर्न एज ऑफ इंडिया पे जो प्लेन्स है वो प्लेन्स बहुत चौड़े हैं। अब अगर हम अपने वेस्टर्न कोस्ट को बांटें तो किन किन डिवीजन से बांट सकते हैं, अगर आप गुजरात की बात करो तो गुजरात में जो कोस्ट है उसको कच्छ कोस्ट और काठियावाड़ कोस्ट कहा जाता है। तो गुजरात में जो गल्फ ऑफ कच्छ और जो रण ऑफ कच्छ के आसपास का जो लैंड उसको आपने ये कच्छ कोस्ट बोल दिया, उसके नीचे आ गए काठियावाड़ वाले इलाके में तो काठियावाड़ कोस्ट बोला। महाराष्ट्र में कोंकण कोस्ट है, गोवा के कोस्ट को भी गोवान कोस्ट बोला जाता है, और कोंकण एक्चुअली भाषा को डिनोट करता है, कोंकणी को, तो महाराष्ट्र के बड़े इलाके में कोंकणी बोली जाती है, और मैं बता दूं गोवा में तो कोंकणी ही बोली जाती है। कर्नाटका के कुछ इलाके कोस्ट को मालाबार बोलते हो, और केरला का तो पूरा कोस्ट ही आपका मालाबार कोस्ट है, तो इधर आ जाओगे तो ये पूरा का पूरा आपको मालाबार कोस्ट मिल जाएगा। ऊपर तो यहाँ गोवान कोस्ट, इधर आपका कोंकण कोस्ट, ऊपर चले जाएंगे तो काठियावाड़ कोस्ट, फिर कच्छ कोस्ट, कुछ इस प्रकार से चीज़ें यहाँ बनती है आपको दिख रही हैं। मालाबार कोस्ट की बात करेंगे तो यहाँ पे कयास मिलते हैं आपको, बैक वाटर, इसमें फिशिंग भी होती है, इनलैंड नेविगेशन भी होता है, और स्पेशल अट्रैक्शन फॉर टूरिस्ट, यहाँ पे बोट रेसेस होती हैं। नेहरू ट्रॉफी जिसको आप वलम कल्ली बोट रेस बोलते हो, ये पुनामड़ा कयाल में होती है, कयाल के यहाँ बैक वाटर्स है, कयाल को केरला में बैक वाटर्स को कयाल भी बोलते हैं, ठीक है। बैक वाटर्स जहाँ पे समुंदर का पानी भी मिल रहा है आके और नदियों का पानी भी मिल रहा है, तो खारा पानी है, तो उसके ऊपर लंबी लंबी बोट्स में रेसेस हुआ करती हैं। अगर आपने बागी वन मूवी देखी है, ये आपकी श्रद्धा कपूर और टाइगर श्रॉफ वाली, तो उसमें एक ऐसी बोट रेस दिखा भी रखी है, ठीक है। अब जैसा कि मैंने बताया वेस्टर्न कोस्टल प्लेन पतले हैं, लेकिन ईस्टर्न कोस्टल प्लेन ब्रॉड है, चूँकि इमर्जेंट कोस्ट है, अलग अलग नदियाँ जाके अपना सेडिमेंट डाल रही हैं, बड़े बड़े डेल्टा बना रही हैं, तो जो चौड़ापना है आपका कोस्ट का वो बढ़ रहा है। तो कौन कौन सी नदियों का डेल्टा है, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सब मैंने आपको बताई दिया। पोर्ट हार्बर यहाँ पे नहीं बन पाएंगे, ऑब्वियस ही बात है, गहराई नहीं है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ 500 किलोमीटर बड़ी है, तो ऑब्वियस ही बात है आप ज़्यादा यहाँ पे हार्बर पोर्ट नहीं बना सकते। ईस्टर्न कोस्ट पे कुछ नाम पोर्ट्स के तो मैं बता चुका हूँ, अन्नोर पोर्ट, चेन्नई पोर्ट। आइलैंड्स की बात की जाए, अब आइलैंड की जब बात आई ना दोस्तों, तो मैं आपको बता दूँ इससे पहले ही कि मैंने आइलैंड्स के ऊपर बहुत हॉलिस्टिक वीडियोज़ बना रखी। अगर आप अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स की बात करते हो तो हम अंडमान निकोबार आइलैंड्स की मैंने दो वीडियो बना रखी, तो P1 अंडमान निकोबार आइलैंड्स ज्योग्राफी डिस्ट्रिक्ट मेजर आइलैंड्स 10 डिग्री चैनल, और एक P2 ट्राइब्स हिस्ट्री एडमिनिस्ट्रेशन कॉलोनीज़। तो ये P1 और P2 वाली जो वीडियो अंडमान निकोबार आइलैंड्स की ये देख लीजिए, अंडमान निकोबार आइलैंड्स पूरा क्लियर हो जाएगा। और लक्षद्वीप की बात आई तो Part 1 लक्षद्वीप आइलैंड्स सबसे पहली वीडियो दिख रही है, और Part 2 लक्षद्वीप आइलैंड्स डेमोग्राफी कल्चर हेरिटेज, ये दो वीडियोस आपको लक्षद्वीप के बारे में पूरा बता देंगे। साथ साथ बीच में एक सेव लक्षद्वीप कैंपेन था, ये भी मैंने आपको बताया। नीति आयोग गवर्नमेंट के क्या प्लान्स हैं अंडमान निकोबार आइलैंड्स को लेके, लक्षद्वीप को लेके, इसके ऊपर भी यहाँ पे वीडियोस दे रखी हैं। इन वीडियोज़ का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा, तो डेफिनेटली आप इन वीडियोज़ को देखो, आपकी थोड़ी नॉलेज यहाँ पर बढ़ेगी। बट फिर भी यहाँ पर मैं चीज़ें आपको समझाता हूँ। तो अगर आप देखो तो दो मेजर आइलैंड ग्रुप्स हैं इंडिया में, एक बे ऑफ बंगाल है, दूसरा अरेबियन सी। बे ऑफ बंगाल आइलैंड ग्रुप में 572 आइलैंड्स और आइलेट्स हैं,
मतलब आइलैंड बड़ा होता है, आइलैंड का एक छोटा फॉर्म को आप आइलैंड बोल सकते हो। ये जो बे ऑफ बंगाल में जो हमारा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है, इसकी जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है, सॉरी लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है 6 डिग्री नॉर्थ से 14 डिग्री नॉर्थ। आपको पता है हमारे मेन लैंड का जो सबसे साउदर्न मोस्ट पॉइंट है वो 8 डिग्री पे, लेकिन ये 6 डिग्री 45 मिनट क्यों है? क्योंकि इंदिरा पॉइंट इज द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, और वो कहाँ पे? निकोबार आइलैंड्स पे, अंडमान निकोबार पे। और अंडमान निकोबार आइलैंड्स का नॉर्दर्न मोस्ट टेंट क्या है? 14 डिग्री नॉर्थ। इनका लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है अंडमान निकोबार आइलैंड्स का? तो 92 डिग्री ईस्ट से 94 डिग्री ईस्ट। दो इंपॉर्टेंट आइलैंड्स हैं आपके अंडमान निकोबार आइलैंड्स के, रिची और लेबरिंथ। इसके साथ और भी बहुत से इंपॉर्टेंट आइलैंड्स हैं जो इन वीडियोज़ में आपको देखने को मिल जाएंगे। आप थोड़ा मेहनत करिए, थोड़ा इस रिची आर्किपेलागो लेबरिंथ आइलैंड को सर्च मारिए, थोड़ी मेहनत आप भी करिए। बहुत सी वीडियोज़ मैंने इमेजेस आपको दिखाई। आर्किपेलागो का मतलब समझते हो ना? आर्किपेलागो मतलब ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। जैसे फॉर एग्जांपल इंडोनेशिया, इंडोनेशिया एक आर्किपेलागो है, एक ऐसी कंट्री जो ग्रुप ऑफ आइलैंड से बनी है। आप देखोगे लक्षद्वीप क्या है? आर्किपेलागो। कनाडा भी एक आप कह सकते हो आर्किपेलागो, बहुत सारे आइलैंड्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है भाई, ये सब बातें यहाँ बताई गई। 26 दिसंबर 2004 को अंडमान निकोबार आइलैंड्स में सुनामी आई थी। 2003 में मैं घूमने गया था, ठीक है, उसके अगले साल आई थी, बच गए थे जैसे तैसे। अब आप देखो तो दो ब्रॉड कैटेगरीज में बटे हुए अंडमान निकोबार आइलैंड्स, अंडमान नॉर्थ में, निकोबार साउथ में, और इन दोनों को एक वाटर बॉडी सेपरेट करती है 10 डिग्री चैनल। 2014 के प्रीलिम्स में शायद ये सवाल पूछ दिया था सीधे सीधे कि अंडमान और निकोबार को कौन सेपरेट करता है, तो कौन करता है? 10 डिग्री चैनल सेपरेट करता है। अभी जो अंडमान निकोबार आइलैंड्स है, दे आर एन एलिवेटेड पोर्शन ऑफ सबमरीन माउंटेन्स। तो मान लो ये इंडिया है, ये यहाँ पे आपका अंडमान निकोबार है, तो ये जो ओवरऑल हिमालयस ऐसे नॉर्थ से साउथ घूमे हैं ना आपके, नॉर्थन ईस्टर्न हिल में आपका, तो ये नीचे समुंदर के नीचे से एक रिज आ रही है जो कि अंडमान और निकोबार आइलैंड्स पे आते आते आपकी सरफेस के ऊपर आ चुकी है। ठीक है, तो कुल मिला के आप समझ सकते हो कि जो इंडियन प्लेट है, इस इंडियन प्लेट के ही पार्ट हैं आपके अंडमान और निकोबार आइलैंड्स। ये जो हमारी हिमालयस की ओवरऑल इतनी बड़ी माउंटेन चेंज है ना, जो कि अरुणाचल के दीफू पास के पास साउथ घूम गई, नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स हमने माउंटेन्स देखे, वो आगे समुंदर के नीचे चली जाएगी और समुंदर के नीचे एक रिज, एक माउंटेन चेन के फॉर्म में दिखेगी, और ये माउंटेन चेन अंडमान और निकोबार आइलैंड्स के फॉर्म में बाहर निकलेंगे। ठीक है भाई, तो आप देख सकते हो क्या लिखा हुआ है। इट इज बिलीव दैट द आइलैंड्स आर एन एनिवेटेड पोर्शन ऑफ सबमरीन माउंटेन्स, हाउएवर स्मॉलर आइलैंड्स आर वॉल्केनिक इन ओरिजिन। जो छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, कुछ वॉल्केनिक आइलैंड्स भी हैं यहाँ पे, जैसे बैरन आइलैंड एक वॉल्केनिक आइलैंड है। इस पर्टिकुलर फिगर में देखो, यहाँ पे आपको दिख रहा है ना दोस्तों, ये जो इंडियन प्लेट है ऐसे नीचे आ रही है, फिर समुंदर के नीचे से आप देखोगे कि इस तरीके से ये इंडियन प्लेट ऐसे आ रही है नीचे। ये जो इंडियन प्लेट आ रही है ना, ये समुंदर में नीचे बहुत सारे रिजेस हैं यहाँ पे। ऐसा बोला जाता है कि ये रिजेस इसी प्लेट एक्टिविटी की वजह से, ठीक है ना, प्लेट एक्टिविटी की वजह से रिजेस। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप देखो तो ये प्लेट आपकी यूरेशियन प्लेट में टच मार रही है, तो ये प्लेट इस तरफ भी टच मार रही है, तो यहाँ पे भी अंडर वाटर बहुत सारे माउंटेन्स खड़े हो गए, और ये जो अंडर वाटर माउंटेन्स है वो अंडमान और निकोबार आइलैंड्स की लोकेशन पे सरफेस के ऊपर आ गए। आपको पता है कि समुंदर के नीचे भी प्लेट एक्टिविटी चलती है, और वहाँ पे जब दो प्लेट्स आपस में टकरा रही हैं तो वहाँ पे भी माउंटेन बनेंगे। तो कुछ ऐसे ही माउंटेन आपके पूरे बे ऑफ बंगाल में बने हुए हैं जो कि अंडमान और निकोबार पे सरफेस के ऊपर आ जाते हैं। इस नक्शे में देखो दोस्तों, यहाँ बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, इंडिया नज़र आ रहा है आपको। तो अरुणाचल प्रदेश के पास से जो आपके हिमालयस हैं वो साउथ टर्न की हैं। अब आप यहाँ पे देखो, अगर आप नीचे देखोगे, यहाँ पे आपको अंडमान निकोबार आइलैंड्स नज़र आ रहे हैं। इस अंडमान निकोबार आइलैंड्स में नीचे देखो, आपको यहाँ पे बहुत सारी एक लंबी लाइन सी दिख रही है, ठीक है। तो ये म्यांमार के साउथ से देखोगे तो अंडमान निकोबार आइलैंड्स तक एक लंबी लाइन सी आई हुई है। ये जो लंबी लाइन आई हुई है ना, ये अंडर वाटर माउंटेन्स है, ठीक है ना, ये अंडर वाटर माउंटेन्स है। और ये अंडर वाटर माउंटेन्स जब बाहर आ गए तब ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड बन गए। सिंपल, कुछ आइलैंड्स वॉल्केनिक हैं, मतलब नीचे वॉल्केनोज भी बन रहे हैं, दो प्लेट्स हैं तो कहीं ना कहीं तो वॉल्केनो भी फटेगा। वो वॉल्केनो अगर बड़ा होकर समुंदर के ऊपर आ गया तो वो वॉल्केनिक आइलैंड होगा। बायरन आइलैंड एक वॉल्केनिक आइलैंड है, दिस इज द ओनली एक्टिव वॉल्केनो इन निकोबार आइलैंड्स। भगवान की दया से और एक्टिव वॉल्केनो नहीं है, नहीं तो जान माल का नुकसान करते। कुछ और इंपॉर्टेंट माउंटेन पीक्स की बात की जाए अंडमान निकोबार आइलैंड्स में, तो सैडल पीक है नॉर्थ अंडमान में 738, माउंट डियावालो मिडिल अंडमान में 515, माउंट कयोब और माउंट थ्योलर। ये तो खैर आप पढ़ ही रहे हो, सामने सामने लिखा हुआ। फिर आप देखोगे तो जो कोस्ट है आपके अंडमान के, वहाँ बहुत सारे कोरल डिपॉजिट्स हैं।
यहाँ कन्वेक्शनल रेनफॉल होती है और इक्वेटोरियल टाइप ऑफ वेजिटेशन है। इक्वेटोरियल टाइप ऑफ वेजिटेशन मतलब यहाँ पानी बहुत बरसता है, तो पानी बहुत बरसता है तो इक्वेटोरियल टाइप ऑफ वेजिटेशन होगी। और कन्वेक्शनल रेनफॉल का मतलब समझते हो कि पानी गर्म हुआ, वो भाप बना, ऊपर गया, बादल बना, बादल बरस गए, इसको आप बोलते हो कन्वेक्शनल रेनफॉल। यहाँ पे साउथ वेस्ट मानसून वाला जो फिनोमिना है वो काफ़ी एक्टिव रहता है। तो ये रहा आपका इंडिया, ये रहा आपका अंडमान निकोबार आइलैंड्स, हवाएं बह के आ रही हैं साउथ वेस्ट मानसून की, यहाँ पे ऐड करेंगी, काफ़ी बारिश करवाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि अंडमान निकोबार आइलैंड्स को बारिश के लिए साउथ वेस्ट मानसून की ज़रूरत है, चूँकि ये समुंदर से चारों तरफ से घिरा हुआ है, ज़्यादा चौड़ा है नहीं, अच्छी खासी सूरज की गर्मी यहाँ पर पहुँचती है जो कि 6 डिग्री आप कह सकते हो नॉर्थ है इसका एक्सटेंशन 14 डिग्री, तो भाई बहुत पास है ये इक्वेटर के, तो गर्मी यहाँ अच्छी खासी होती है, पानी यहाँ बहुत भाप बनता है, ऊपर क्लाउड्स बनते हैं, शाम तक बरस जाता है, तो पानी अच्छा खासा बरसता है अंडमान निकोबार में, इसलिए इसको कन्वेक्शनल रेनफॉल कहा जा रहा है। और इक्वेटोरियल वेजिटेशन तो होगी, रीजन में यहाँ पानी बहुत बरसता है। फिर दूसरे ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हो गए आपके लक्षद्वीप एंड मिनिकॉय, दे आर स्कैटर्ड बिटवीन 8 डिग्री टू 12 डिग्री नॉर्थ एंड 71 डिग्री टू 74 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। अब ये तो रटी लो, 8 से 12 डिग्री नॉर्थ में आपके लक्षद्वीप आइलैंड्स, लक्षद्वीप और मिनिकॉय, और 71 डिग्री से 74 डिग्री ईस्ट। मैंने जो दो वीडियोज़ बनाई वो डेफिनेटली देख लेना, रीज़न बीइंग कि उनको देखे बिना आपकी यहाँ पे ये लेक्चर पूरा नहीं है, बहुत सारी चीज़ें एनसीईआरटी में लिखी नहीं है जो कि डिटेल मैंने दूसरी वीडियोज़ में कवर की हैं। लक्षद्वीप की अगर आप बात करोगे तो यहाँ पे आपको आइलैंड्स दिख रहे हैं लक्षद्वीप के, जो इंपॉर्टेंट आइलैंड्स हैं तो आप कह सकते हो कवराती आइलैंड, अगाती आइलैंड, कदमात आइलैंड, मिनिकॉय आइलैंड, ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट आइलैंड्स हैं आपके केरला, ये मतलब लक्षद्वीप के, लक्षद्वीप काफ़ी पास है आपके केरला से, ठीक है। आगे बात करते हैं इनकी, हमने लैटिट्यूडनल एक्सटेंट देख ली, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट देख ली। ये जो आइलैंड्स हैं दे आर लोकेटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 280 टू 480 किलोमीटर्स ऑफ केरला कोस्ट। ये जो डिस्टेंस है वो आपको उस पर्टिकुलर फोटो में भी नजर आ रहा है। ये जो बित्रा नाम का आइलैंड है ये लगभग 483 किलोमीटर्स दूर है, ठीक है, और ये जो कल्पेनी है ये सबसे पास है 287 किलोमीटर्स दूर है। मिनिकॉय आपका 398 किलोमीटर्स दूर है फ्रॉम कोची, ये सब कोची से डिस्टेंस को बता रहे हैं, ठीक है भाई। ये जो आइलैंड्स हैं वो कोरल डिपॉजिट से बने हैं। अब अगर कोरल डिपॉजिट से बने तो इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये कि जहाँ जहाँ पे आइलैंड्स बने वहाँ पे समुंदर की गहराई ज़्यादा नहीं होगी, क्योंकि समुंदर के ऊपर अगर कोरल्स आ रहे हैं तो दो ही फैक्टर्स हो सकते हैं, तो समुंदर के नीचे कोई ज़मीन उठी हुई होगी उसके ऊपर कोरल्स डेवलप हो के ऊपर आ गए, या फिर वहाँ समुंदर की गहराई होगी तो कोरल्स नेचुरली डेवलप होकर ऊपर आ गए, बट बेसिकली कोरल्स की वजह से। कोरल पॉलिप आपने सुना होगा, कोरल्स मेरे नाम के साथ सर्च मारी, मैंने वीडियोस बना रखी कोरल्स कैसे बनते हैं, ज़ूज़ैंथले का क्या प्रोसेस होता है, मैंने सब समझा रखा है। तो धीरे धीरे कोरल डिपॉजिट्स अगर पानी के सरफेस के ऊपर आ गए तो कोरल आइलैंड्स बनते हैं, तो लक्षद्वीप आपके कोरल आइलैंड्स हैं। सिंपल, कोरल एक्टिविटी की वजह से बने हैं, मतलब यहाँ पे कोई प्लेट टेक्टोनिक की वजह से माउंटेन नहीं बना है, ना ही वॉल्केनिक माउंटेन है, तो कोरल्स ने अपना प्रोसेस कर करके ज़मीनी सरफेस से ऊपर सतह पे कोरल डिपॉजिट्स करते गए, जब ये डिपॉजिट्स पानी के ऊपर आ गए तो कोरल आइलैंड बन गया, या फिर नीचे कोई पहाड़ है उस पहाड़ के ऊपर कोरल एक्टिविटी होने लगी, वो डिपॉजिट्स ऊपर आ गए, तो उसके चलते यहाँ पे आप कह सकते हो कि कोरल्स दिखने लगे। टोटल 36 आइलैंड्स हैं जिसमें से 11 इनहेबिटेड हैं, बाकी इनहेबिटेड नहीं है। जो इनहेबिटेड नहीं है वहाँ पे काफ़ी बायोडाइवर्सिटी है, अक्सर कर भारत सरकार अपने ऑफिशियल्स को वहाँ पे भेजती रहती है, हमारे बेसिस टेम्प्ररी वहाँ पे बना रखे गए। मिनिकॉय आइलैंड सबसे बड़ा आइलैंड है, 453 स्क्वायर किलोमीटर जितना बड़ा, एक्चुअली में ये गलत लिखा है, 4.53 स्क्वायर किलोमीटर्स होगा, चूँकि ज़्यादा बड़ा नहीं है आपका लक्षद्वीप, ठीक है। जो एंटायर ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है इट इज़ ब्रॉडली डिवाइडेड बाई 10 डिग्री चैनल, नॉर्थ ऑफ विच इज़ अमीनी आइलैंड एंड टू द साउथ इज़ कन्ननूर आइलैंड। तो अमीनी और कन्ननूर आइलैंड के बीच में जो चैनल है वो आपका 10 डिग्री चैनल है, ओके, तो अमीनी और कन्ननूर आइलैंड के बीच में। अच्छा मुझे ये बताइए, मिनिकॉय आइलैंड को नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कि मिनिकॉय आइलैंड को बाकी आइलैंड ग्रुप के साथ कौन सा लैटिट्यूड हटाता है। देखिए जो चैनल है ना 10 डिग्री चैनल, ये बेसिकली 10 डिग्री लैटिट्यूड है, तो व्हाट सेपरेट्स मिनिकॉय फ्रॉम द रेस्ट ऑफ लक्षद्वीप आइलैंड्स, ये मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ। और एक और क्वेश्चन बनाओ, अगर आप मिनिकॉय से और साउथ में चले जाते हो तो आ जाएगा मालदीव्स, तो मिनिकॉय और मालदीव्स को कौन सा लैटिट्यूड अलग करता है, तो मिनिकॉय को बाकी लक्षद्वीप के आइलैंड से कौन सा लैटिट्यूड अलग करता है, और मिनिकॉय के साउथ में आप चले जाओगे तो मालदीव्स और मिनिकॉय को कौन सा लैटिट्यूड अलग करता है, ये बताइए। मैं आपको एक और बात बताता हूँ इंटरेस्टिंग, मिनिकॉय का जो कल्चर है वो मालदीव्स के ज़्यादा मैच करता है, ना कि बाकी लक्षद्वीप के साथ, चूंकि मिनिकॉय डिस्टेंस में देखो तो मालदीव्स के काफ़ी पास है, ठीक है भाई। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे
बता रखी गई। द आइलैंड्स ऑफ दिस आर्किपेलागो ऑफ स्टॉर्म बीचेस कंसिस्टिंग ऑफ अनकंसोलिडेटेड पेबल्स शिंगल्स कॉबल्स एंड बोल्डर्स ऑफ द ईस्टर्न सीबोर्ड्स, इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पाई जाती हैं। तो ये था भाई, पूरा लेक्चर काफ़ी बड़ा हो गया। मैंने आपको बहुत सारी और वीडियोज़ का रेफरेंस दिया है, जब तक आप इन वीडियोज़ को नहीं देखोगे द पर्पज इज़ नॉट सॉल्व। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, जितना ज़्यादा हो सके ज्वाइन बटन दबाइए, मुझे ज्वाइन बटन की बहुत ज़रूरत है, इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अगर आपको थोड़ा सा भी फायदा हो रहा है तो दबाइए, नहीं हो रहा है तो फिर कोई बात नहीं। इंस्टाग्राम पे चाहे तो फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इन वीडियोज़ को शेयर करें। हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स, गुड बाय, टेक केयर।